हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जहाज ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं काइन अपने देवते के पास। सो हम अभी पहुंच गए हैं अपना केवल और यहाँ पे ये कुछ काम करने के लिए सब उतर गए हैं गाड़ी से। तो आज हम जा रहे हैं मैं, रागिनी और प्रियंशु और दादाजी। आज हम चार जा रहे हैं देवते के पास। सो चलिए चलते हैं, आज काइन आपको अपने काइन की सैर करवाते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं और ये रहा मंदिर जो भी नया नया बन गया है और बन ही रहा है अभी भी। सो ये है व्यू। हाय रागिनी, क्या सो इस मंदिर को बनने के बाद हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो जब फ्लडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, तो यहाँ से भी लैंडस्लाइड हुआ था। सो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे को, ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ था। तो इसके बाद इसको दोबारा से यहाँ पे बनाया गया। ये पूरा जो है लैंडस्लाइड में यहाँ तक, ये देखिए नीचे वाला ये बाजार, ये पतली गुल है और ये रहा सामने का व्यू। थोड़ी पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है आजकल, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए प्यास नदी कितनी छोटी सी रह गई है, बट जब ये अपना रौद्र रूप धारण करती है तो ये कितनी बड़ी हो जाती है गाइस। तो हम मंदिर में ऊपर आ चुके हैं गाइस, देखिए। और ये रहा मंदिर के बिल्कुल सामने का व्यू। ये रहा मंदिर सामने से। तो हम काफी देर से यहाँ पर पहुंच गए हैं मंदिर में और दादाजी अभी वहाँ पे भी मंदिर है तो वहाँ गए हुए हैं। सो हम उनका वेट कर रहे हैं और हम अपने साथ लेकर आए हैं नारियल और फूल वगैरह देखिए कुछ चढ़ाने के लिए। तो हम थोड़ी देर में ऊपर भी जाएंगे नित्य के पास। तो पहले मैं आपको इस मंदिर का थोड़ा सा टूर करवा देती हूँ। ये है दरवाज़ा मंदिर का, ये मेन रोड तो नहीं है, ये ऊपर वाला दरवाज़ा है। और अंदर हम आपको दिखाते हैं अंदर, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अभी यहाँ पे शीशे लगने रह गए हैं और ये नया नया अभी बन ही रहा है। सो ये बॉडियाँ ऊपर जो है, ऊपर भगवान जी का
मंदिर है, मतलब स्थान है, तो यहाँ पे अभी लोगों के लिए बैठने के लिए कुछ करने के लिए, तो ये था। और इसमें नीचे वाला रूम तो दिखा देती हूँ, देखिए पॉडियम नीचे जाएंगे, देखिए पूरी मिट्टी का काम हुआ है, देख सकते हैं दीवारें पूरी मिट्टी की बनी हुई है। और ये रहा हमारा मंदिर, ये है हमारा मेन डोर, और ये है कुछ बाहर का नजारा, और ये है मेन डोर में बनी कलाकृति। वेरी गुड। सो ये वो घर है जहाँ पर दादाजी के दादाजी रहा करते थे। ये पीछे वाला पूरा एरिया भी हमारा ही। और अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना चाहाज विला, है ना। सो यहाँ से व्यू देखिए आप, यहाँ पे बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हम बनाएंगे अपना चाहास विला। सो यहाँ पे भी पहले एक घर हुआ करता था। हमारी वो पौड़ियाँ कहाँ चली गई, वे टूट गई। हमारी वो पौड़ियाँ टूट गई, ये कब टूटी, हमें बहुत दुख हुआ। हमारी सेल्फी वाली पौड़ियाँ थी ये। और यहाँ पे भी पहले पुराना घर हुआ करता था जो बारिश की वजह से ढह गया है। व्यू देखिए, सब मंदिर में अंदर पूजा वगैरह करके आ गए हैं। और ये रहा मंदिर, और यहाँ पे काम चला हुआ है। सो रास्ते का काम, और अब हम जाएंगे इस साइड आगे। सो वहाँ पे भी दिखता है जहाँ पे भी हम अब फूल चढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं मेरे माथे में। तो चलिए अब हम जा रहे हैं आगे। और ये गाय जब तक मेरे ब्लॉग में नहीं बोलती तब तक मेरा ब्लॉग अधूरा रहता है। हेलो, पिछले कल वो यहाँ आए थे? नहीं आज नहीं अंकल जी, अभी नहीं, आज मैं देखते को आया हूँ यहाँ ना। गिरते गिरते आ रहे हैं। चलो यहाँ 12 महीने यानी कि गर्मियों में भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा चली होती है। और ये देखिए आप कितनी हाइट पे है गाइस, मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे ऐसी ही ठंड रहती है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चली रहती हैं, यहाँ पे गर्मी महसूस ही नहीं होती है। कभी आओ यहाँ वादियों में, रागिनी कह रही है कभी आओ इन वादियों में। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर माता जोगनी, जोगनी माता है ना, वो हमेशा शांति में रहती है, इसलिए ऊपर है ज़्यादा। तो चलिए गाइस वहाँ चलते हैं, लास्ट मंदिर यहाँ पे
तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या बोले क्या है पूजा है, तो उसके बाद हम जाएंगे वापस घर। सो लेट्स गो। सो ये है बंद कर उसको माता जहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है, तो यहाँ जाना है हमने। थक गए क्या करना है बंदर है। ये देखिए गाइस व्यू, आप बंदर है इसलिए आपको बंदर की आवाज़ पता है पहले से। देखिए इनको बोलते हैं बदतमीज बच्चे, जो अपनी बड़ी दीदी की कोई भी तमीज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। कर रही हूँ यारो कर रही हूँ। सो अब जा रहे हैं हम घर। टाइम हो चुका है 12:30। अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं। इनको हम घर लेके जा रहे हैं मछलियों को। गर्म पानी है वही तो बेचारी मर कैसे नहीं है इसके। हम मछली लेकर आ गए हैं। देखिए गाइस पॉलिसी में इनको हम घर लेके जाए और इनका घर भी हमने डाल दिया साथ में। सो अब इनका पालन पोषण हम घर में ही करेंगे, क्योंकि शॉप में प्रेंशु खुद नहीं होता था तो इसका पानी टाइमली साफ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इनको हम घर लेके जा रहे हैं। तो इनको रोज़ हम खाना देंगे ना दादाजी। मौत देंगे मौत मौत देंगे डाल देंगे। चलिए चलते हैं घर। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इनके कंटेनर की सफाई और मछलियाँ हमने यहाँ रखी हुई हैं, जब इसका ये साफ हो जाएगा धुल जाएगा तो हम बता देंगे। पता नहीं और ये हमारी मछली